ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਹਸੀਨ ਕੋਈ ਨਾ ਗੁੱਜੀ ਪਾਈ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਤਾਰੇ ਚੰਨੇ ਅੰਬਰ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਨਾ। मेरा नाम है वारिन नैडिट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों अभी वीडियो तो आपने देख ही लिया होगा, तो ऐसा ही वीडियो दोस्तों इस फ़ोन में आपको बताऊंगा कैसे आप एडिट कर सकते हैं अपने फ़ोन में काफ़ी आसान तरीके से। तो इसके लिए दोस्तों आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है VN। तो VN दोस्तों प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लेना, इसका नाम VN है। तो काफ़ी सिंपल है दोस्तों इस वीडियो को एडिट करना, आप 2 या 3 मिनट में आप एडिट कर लोगे और हर कोई कर सकता है दोस्तों इस वीडियो को देखे, काफ़ी सिंपल तरीके है। तो सबसे पहले इस वीडियो को बनाने के लिए 2 टेम्पलेट की जरूरत पड़ेगी। तो टेम्पलेट आपको डाउनलोड करने के लिए यूट्यूब जाना है। ऐसे तो मैंने इसकी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, फिर भी आप अपने पसंद से कोई और टेम्पलेट डाउनलोड करना चाहे तो वो भी मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको टेम्पलेट लिखना है लाइट इफेक्ट ब्लैक स्क्रीन, यहाँ पर देख सकते हो, आपको ये सर्च करना है लाइट इफेक्ट ब्लैक स्क्रीन। तो यहाँ पर बहुत सारे टेम्पलेट आ जाएंगे, आप किसी भी डाउनलोड एप्लीकेशन से यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो जो आपको पसंद आए, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो मेन चाहिए वो हमको चाहिए ग्लोइंग लिरिक्स स्टेटस। तो यहाँ पे जो सारे सॉन्ग के साथ जो लिरिक्स आ जाएंगे वो भी ग्लो करते हुए। तो एक बात को ध्यान रखना कि दोनों के पीछे जो ब्लैक स्क्रीन होनी चाहिए लाइट वाले, और ग्लोइंग लिरिक्स वाले भी जो पीछे जो बैकग्राउंड आपको दिख रहा है वो ब्लैक होना चाहिए, तभी दोस्तों आपको काम आएगा। तो चलो तो मैं बाहर जाता हूँ, डिस्क्रिप्शन में इनकी लिंक है, जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। तो VN एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद ओपन कर लेना है। इसके बाद जो है आपको ये जो प्लस वाला आइकन है इस पर जाना है, नेव प्रोजेक्ट पर जाना है। इसके बाद दोस्तों आपको फोटो सेलेक्ट करना है, ये वीडियो ऑल और फोटोज़ भी, फोटोज़ पर जाना है। ऊपर जो ऑल वाला ऑप्शन है यहाँ पे जाना है, यहाँ पे बहुत सारी फाइल खुल जाएगी, आप जो भी जिसमें भी फाइल में आपका फ़ोटो है ला के रख देना, ठीक है। तो मैं अपनी फ़ाइल को मैं ढूँढ लेता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरी फ़ाइल है तो मेरे को फ़ाइल को मैं ला लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर डन करके फोटो को सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। ये लास्ट में जो ब्लैक वाला पार्ट है इसको क्लिक करके आपको यहाँ पे डिलीट वाला ऑप्शन होगा, डिलीट कर दिया, ठीक है। अभी फर्स्ट वाले को क्लिक करके आपको इसकी लेंथ जो है यहाँ पे 15 सेकंड तक करनी है। यहाँ पे देख सकते हो आपकी सेकंड दिखा रही है, तो यहाँ पर मैं 15 से कुछ 20 सेकंड इतना कर लिया, ठीक है। आपने मर्ज़ी से कर सकते हो, जितना बड़ा बनाना चाहो। तो ये बन दिया। उसके बाद ऊपर जो ओरिजिन वाला ऑप्शन दिख रहा है उस पर जाना है, यहाँ पर आपको फाइल सेलेक्ट फ्रेम सेलेक्ट कर लिया, तो मैंने यहाँ पर फ्रेम कर देता हूँ 9:16:9, जो टिकटॉक वाला ऑप्शन है वो कर लेता, काफ़ी अच्छा रहेगा, वही आप भी कर लेना, ठीक है। इसके बाद हमारा मेन काम होता है वो होता है यहाँ पर जो फोटो वाला ऑप्शन है वहाँ पर जाना है, फिर वीडियो एंड फोटो पर क्लिक करना है, ठीक है। फिर जो आपने टेम्पलेट डाउनलोड किया है लिरिक्स वाला वो ले लेना है, तो मैंने लिरिक्स वाला पहले से डाउनलोड कर रखा है, तो पहले ये लिरिक्स वाला ले लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद आपको ऐसे आना है एंड फिर दोस्तों आपको साइड में जाके इसको क्लिक करना है, और यहाँ पे ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिख रहा है, ये ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पर जाना नहीं, यहाँ पर जो साइड में जाके इसको स्क्रॉल करना है। इसके बाद जो आपको स्क्रीन दिख रहा है वो करना है स्क्रीन, तो उसके बाद उसे हमारा जो ब्लैक पार्ट है वो इरेज हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको डन कर लेना है। तो हमारा ऐसा कुछ हो गया, आप देख सकते हो कैसी लाइटिंग इफेक्ट पड़ रही है। तो इसको और ग्लो करने के लिए हमको सिंपली कुछ नहीं करना है, उसको ग्लो और करना, तो यहाँ पर फिल्टर वाला ऑप्शन पर जाना है, यहाँ पर एडजस्ट पर जाना, ऊपर एडजस्ट वाला ऑप्शन इधर, ठीक है। तो इसकी हम ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं, इसका कॉन्ट्रास्ट भी हम बढ़ा देते हैं, इसकी ब्राइटनेस थोड़ी और बढ़ा देते हैं, सॉरी इसकी ऐसे रखते हैं। उसका सेचुरेशन भी हम बढ़ा लेते तो और ग्लो करेगा, इसका वाइब्रेशन बढ़ा देते। अगर आप इसका रेड से कोई और कलर चेंज करना चाहे तो आपको जाना है यहाँ पर यू वाला ऑप्शन पर, ये यू वाले, तो आप कलर भी चेंज कर सकते हैं देखो, लेकिन मुझे रेड ही अच्छा लग रहा था, मैं रेड ही कर सकता। आप बहुत सारे कलर आप जो भी आप चेंज कर सकते हैं, तो मुझे रेड ही रहने देता, ठीक है। इसके बाद बस हमारा डन कर लेना, ठीक है। तो हमारा ये जो लिरिक्स है वो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप से चलेगा बस। तो अभी इसका जो साउंड है वो ऑफ हो गया है, साउंड हम बाद में लगाते हैं, पहले हम दूसरा टैबलेट जो है ऐड कर लेते हैं। वापस हमको फ़ोटो पर जाना है, वीडियो एंड फोटो पर जाना है, और फिर दूसरा मुझे जो लाइट वाला इफेक्ट है वो मैंने डाउनलोड किया, अगर ये वाला आप डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो फिर अपनी मर्जी से कोई दूसरा डाउनलोड करना चाहो तो आप सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग का टाइम लेगा, तो बस प्रोसेसिंग हो रहा है। तो दोस्तों हमारी प्रोसेसिंग कम्प्लीट होगी और ये वीडियो भी आ गया है, तो इसको भी वही प्रोसेस करनी है जो पहले मैं बताया था, इसको क्लिक करके रखना है लेयर को। इसके बाद वापस ब्लेंडिंग पर जाना है, आपको करना है स्क्रीन, इसके बाद वो भी ब्लैक पार्ट का गायब हो जाएगा। इसके बाद इसको वापस हम डन कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम फुल स्क्रीन कर लेते हैं, जैसे बीच में रखे हम इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं इस टाइप से, ठीक है। आप सब वो तो इस टाइप से कर लेता हूँ तो काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन इसकी ओपेसिटी हमको कम करनी पड़ेगी क्योंकि लाइट ज़्यादा आ रही है, तो आपको ओपेसिटी पे क्लिक करना है। इसकी ओपेसिटी थोड़ा सा ऐसे कर देते ताकि बस मीडियम रहे, ताकि हमारा जो पीछे जो सब्जेक्ट है वो दिखे, ठीक है। तो हमारा मेन काम कंप्लीट हो गया, उसके बाद हमको साउंड लगाना है, ठीक है। तो साउंड लगाने के लिए वापस आपको ऊपर साउंड वाला ऑप्शन पर करना है, और आपको म्यूजिक में नहीं इफेक्ट वाले ऑप्शन पर जाना है, क्योंकि हमको जो लिरिक्स ऐड किया है उसका ही साउंड चाहिए। तो वापस प्लस पर जाना है,
या जो प्लस वाला आइकन है, इसके बाद एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो, तो यहाँ से करोगे तो आपका वीडियो का है वो MP3 में हो जाएगा। तो जो आपने लिरिक्स डाउनलोड किया है उसको ही आपको क्लिक करना है। इसके बाद इसको सारा जो इसका फाइल नेम पहले हम डिलीट कर लेते हैं, इसके सॉरी इसको ऐसे सेलेक्ट और करके डिलीट कर देते हो, अपना फाइल का नाम कुछ भी दे देते हैं। तो मैं इधर एडिट कर देता, तो हमारे ये फाइल का नाम और हमारा जो वीडियो से MP3 कन्वर्ट हो गया है, इसके बाद जो हमारे फाइल नाम है उसको हम चूज पे क्लिक कर देते, ठीक है। तो हमारा जो आ गया है, इसके बाद हम प्ले करके देखते हैं कैसा होता है। तो देख सकते हो काफ़ी कमाल का हमारा स्टेटस बन गया है। ये आप रील्स पे भी अपलोड कर सकते हो, तो काफ़ी वायरल भी होने का बहुत चांस है और वायरल होते भी है दोस्तों बहुत लोगों के, मैंने देखे। इसलिए मैं दोस्तों ये वीडियो का जो लेके आया होता, आप अपना एडजस्ट भी कर सकते हो, छोटा बड़ा कहीं पे भी आप रख सकते हो, लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है आप देख सकते हो। और ये वायरल होने का दोस्तों चांस ज़्यादा है, क्योंकि काफ़ी अमेजिंग होता है और अपने हिसाब से कोई भी आप एडिट कर सकते हो। तो उसके लिए सेव करने के लिए ऊपर एक्सपोर्ट पर क्लिक करने ला है, एंड इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर डन कर लेना, ठीक है। तो हमारा जो है सेव हो रहा है। तो प्लीज़ दोस्तों यार वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रखना, क्योंकि और भी बहुत सारे वीडियोज़ में लाने वाला हूँ एडिटिंग के ऊपर, तो वो भी आपको अच्छे लगेंगे, आप बहुत सारे एडिटिंग भी सीख सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।